ये आगे लड़ाई है, ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। मामा की सरकार, हम मामा बोलते हैं लेकिन ऐसा बोलने में हमको शर्म आती है। कंस मामा जैसे मतलब व्यवहार कर रहे हैं एसटी वालों के साथ, दूसरे कास्ट वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। कोई सी भी एग्जाम दे रहे, पटवारी हो कि शिक्षक भर्ती हो, कोई सी भी एग्जाम हो, मतलब एसटी वालों के साथ ही ऐसा हो रहा है। मतलब नंबर स्क्रीन पे अलग नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट अलग आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में अलग हो रहे हैं। मतलब जैसे वैसे उनको एसटी वालों को नौकरी देना ही नहीं चाहते वो। मतलब योजनाएं तो बहुत बता रहे हैं लेकिन वो खोतरों पे है, कागजों पे है। इससे पहले भी जब आप यहाँ भोपाल आए थे, सभी छात्र छात्राएं क्या आश्वासन दिए गए थे आप? उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था, बाद में परमिशन मिले या नहीं मिले आप धरना देना। लेकिन आज ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ कुछ अलग जानकारी दे रहे हैं कि परमिशन नहीं है, ये नहीं है। तो हमारे आज आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आए हैं और इसके बाद आप अपना ज्ञापन भी लेके मुख्यमंत्री विभाग यदि जाते हैं तो क्या लगता है कि आपकी मांगे मध्य प्रदेश सरकार पूरी करेगी? अगर मध्य प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में बस कुछ ही दिनों बाद चुनाव आ रहा है, इसका हम बहिष्कार करेंगे। हमारे जिले में हम जाएंगे, जैसे 29 तारीख को खरगोन में जा रहे हैं, मैं खरगोन जिले से हूँ, यहाँ पे हम काले झंडे बताएंगे उनको। आपका धन्यवाद सर मीडिया भोपाल से। आप मेरा नाम सोहन है। आई थिंक आपको पता भी होगा कि भोपाल में पिछली बार जो 28 तारीख को आंदोलन हुआ था, ये आवक जावक की कॉपी हमारे पास है। यहाँ से जाके जो एसपी साहब है TIA थाने के अंतर्गत, उन्होंने 6 लोगों को लेके गया था वल्लभ भवन, वहाँ से बात नहीं बनी तो सीएम हाउस लेके गए। उन्होंने बोला कि जब कैबिनेट बैठेगी तब जाके तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट 2 बार बैठ चुकी, आपको भी पता है और हम लोगों को पता है कि कैबिनेट कैसी बैठी और क्या काम कर रही है। लेकिन आज सुन लीजिए शिवराज मामा, इतने 52 जिले के बच्चे जहाँ से दूर दूर से आए हैं और मेरे को जो बोलते हैं कि 52 जिले में आदिवासी नहीं है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिले में भले आदिवासी नहीं हो, उनका संख्या बल कम हो, लेकिन जो बाहर से मान लो कि जो गुना में रह रहे हैं वो हमारे आदिवासी भाई है, बुरहानपुर में रह रहे आदिवासी भाई है, खंडवा में रह रहे आदिवासी भाई है, शिवा बाबा के पास जो गांव है वहाँ पे भी रह रहे वो हमारे आदिवासी भाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 52 जिलों में आदिवासी, अगर आदिवासी बच्चों की मांग नहीं सुनी और वर्ग 3 के पोस्ट नहीं भरी, आंकलन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग मध्य प्रदेश की 40 से 45 सीटों पे 46 MLA है हमारे, उनके माध्यम से भी अवगत करवा दिया, 52 जिलों के जितने भी कलेक्टर थे उनको भी करवा दिया, और मिनिस्टर है जो कैबिनेट मंत्री वगैरह सारों को करवा दिया अलर्ट। क्यों? क्योंकि हमारी पोस्ट है और बैकलॉग में नहीं जाना चाहिए। आज ये जो आए हैं ना, मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, खुद के पैसे से काम धंधा करके यहाँ आए हैं। इंदौर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद में तब जाके नौकरी लगी। हमारे घर वालों ने DED BED खेती करके पैसा कर के उन्होंने दिया, DED BED करवाया हमसे। DED BED अगर करवाना ही था, ये चीजें करते नौकरी दो ना आप, अगर ऐसा होता तो हम DED BED ही नहीं करते, दूसरी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते। और सेकंड चीज ये रही, वर्ग 3 में आदिवासी की जो वर्ग 3 में जो बैकलॉग पोस्ट बचे 4200 के लिए, उसके संबंध में आज भोपाल आए हैं। शासन प्रशासन को पूर्व में हमने 52 जिले के शासन प्रशासन का अवगत भी करा दिया था, लेकिन आज तक हमें आश्वासन मिला, हमारा आज तक निराकरण नहीं किया गया। अभी इससे पूर्व भी हमने 28 तारीख में भी आश्वासन के तौर पर हम लोगों को यहाँ से ज्ञापन दे दिया गया था हमारे द्वारा, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। जो 4200 जो बैकलॉग पोस्ट बची है उसी के संबंध में हम सभी लोग 2500 लोग यहाँ पे आए हैं। यदि मामा जी ने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले समय में मामा जी के लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल पड़ेगा। आज पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी है और आदिवासी का वोट बैंक है। मामा जी जगह जगह कहते हैं मैं आदिवासियों का हितैषी हूँ। यदि आप आदिवासी के हितैषी है तो आप आदिवासी क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। यदि मामा जी ऐसा नहीं करते हैं, वर्ग 3 में 4200 पोस्ट मतलब की नहीं भरते हैं, तो इसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। देश में भी आदिवासियों का राज चल रहा है, बिल्कुल सब जगह सारी पार्टी आदिवासी बात कर रही है, मोदी आदिवासी बात कर रहे हैं, शिवराज जी बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आज आदिवासी क्यों खड़े हुए? आज आदिवासी इसलिए खड़े क्योंकि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट कागजों पे बोलना लिखना जानती है, बस तो पालन करना नहीं जानती। जो योजनाएं आती है वो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाती है। आपके समाज के लोग भी राजनीति में ऊंचे पदों बैठे हुए हैं, तो उसका क्या विडंबना है कि उसके बाद भी आपको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है? ये बड़ी दुख की बात है। आज हमारे क्षेत्र के विधायक है लेकिन आंख बंद करके सो रहे हैं, उन्हें हमारी कोई परवाही नहीं। यदि ये आज हमारी नहीं सुनते हैं तो क्षेत्र के जो विधायक है इनके ऊपर हम आदिवासी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इनको हम वोट बैंक नहीं देंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासियों को उम्रा करना।
आदिवासियों को गुमराह करना, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का शोषण करना, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का शोषण करना, बंद करो, बंद करो। मान पसंद करो क्या काम हुई थी उसके संबंध में हम सारे आदिवासी 2,500 की संख्या में यहाँ पे आए हैं और हमारे 4,200 पोस्टेड जो लगभग बैकलॉग पोस्ट थे उसके सिलसिले में आए हैं। क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जो 4,200 पोस्ट हम लोगों की जो बची है वो मेरिट के आधार पर जहाँ तक जाए 74 से लेकर 60 तक जो मेरिट के आधार पर जहाँ तक जहाँ तक भरी जाए। कौन से विभाग की? मतलब वर्ग 3 की शिक्षक वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा भी की थी। हाँ उसमें क्या आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ क्या? हमारे क्या है साथीगण काफी समय से 52 जिले में शासन प्रशासन को अवगत भी कराया, माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया लेकिन आज तक हमें आश्वासन नहीं मिला। इससे पूर्व में भी 28 तारीख में भी ज्ञापन दिया गया था शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय जो शासन प्रशासन को उसमें भी आश्वासन मिला जिसका आज निराकरण नहीं हुआ है। यदि मामा जी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है हमारी गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।